उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। इस ऐलान के साथ ही अब मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है। समाजवादी पार्टी सांसद और मुलायम की बड़ी बहू डिंपल यादव ने भारत रत्न देने की मांग की है, जबकि छोटी बहू और भारतीय जनता पार्टी नेता अपर्णा यादव ने कहा कि जो मिल गया उसे स्वीकार करना चाहिए, सवाल नहीं। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जब पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ तो एक नाम ने सबको चौंका दिया। यह नाम है स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का। उत्तर प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, प्रख्यात समाजवादी और धरती पुत्र के नाम से विख्यात मुलायम सिंह यादव को मोदी सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान से नवाजने का ऐलान किया है। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने नेताजी को भारत रत्न देने की मांग शुरू कर दी। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी सांसद और साथ ही मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिंपल यादव ने सरकार से नेताजी को भारत रत्न देने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस तरह का नेताजी का कद था उस अनुसार उन्हें पहले ही भारत रत्न मिल जाना चाहिए था। मेरा सरकार से अनुरोध है कि नेताजी को भारत रत्न मिले। वहीं मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई और समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव ने भी एक सवाल के जवाब में ये कहा कि पार्टी कार्यकर्ता और नेता चाहते हैं कि नेताजी को भारत रत्न मिले। ये बात सही है कि नेताजी एक अध्यापक से राजनीति के सर्वोच्च गलियारे और पद तक पहुंचे थे। उनका जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ाव किसी से छुपा नहीं था। जब तक नेताजी रहे समाजवादी पार्टी के हित के लिए सोचते रहे थे, लेकिन सम्मान पुरस्कार किसी भी व्यक्ति के भूतकाल में किए गए कार्यों के ही आधार पर मिलता है। कोई भी राजकीय सम्मान आदर योग्य होता है, न कि प्रश्न चिन्ह उस पर खड़ा करना चाहिए। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।